हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ये बायो का जो पोर्शन है, अगर आप देखें किसी भी पेपर में, स्पेशली जो स्टेट पीसीएस के पेपर्स होते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंपेयर करते हैं तो बायो के क्वेश्चन ज़्यादा अराइज होते हैं। ठीक है, तो बायो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जो बायोलॉजी के सब डिविजन्स हैं वो क्या हैं एक बार में। हाँ, सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, उसका फर्स्ट पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद। जू मीन्स होता है प्राणी, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो जो प्राणियों की स्टडी होती है, प्राणियों का जो अध्ययन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। तो ये एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स की स्टडीज को हम जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल। तो सिर्फ लिविंग का ही नहीं, बल्कि एक्सटिंक्ट हम एनिमल का जो है स्टडी करते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो आपका एक्सटिंक्ट हो। ठीक है, अब ये क्या क्या चीज़ें, उनके स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं, उनके एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ते हैं, उनके इवोल्यूशन को पढ़ते हैं, उनके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, हैबिट्स को पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है इसका, एनाटॉमी। स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आ जाएंगी, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एनाटॉमी मतलब क्या होता है, अंदर की चीज़ें, जो बॉडी के अंदर जो जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, उसका अध्ययन करना। और मॉर्फोलॉजी मतलब होता है किसी की बाहर की फिजिकल फीचर्स का, अपीयरेंस का हमें जो है स्टडी करना। एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होता है। इवोल्यूशन मतलब इतने साल से, जो जैसे एंथ्रोपोलॉजी आप देखें तो कितने जो ह्यूमन बींग से पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस थे, है ना, तो उनसे जो है किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, होमो सेपियंस हम कैसे बने, तो वो इवोल्यूशन बहुत ही लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, उसको हम स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं, हैबिटेट्स देखते हैं, वो कहाँ पे जो है रहते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है किस जगह में। तो अब मेन चीज़ आपके पास ये है कि अरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें मैच कराना है लिस्ट वन से लिस्ट टू को। ठीक है, देखते हैं, लिस्ट वन में हमारा है बर्ड्स, इनहेरिटेंस, इन्वायरमेंट और फॉसिल। लिस्ट टू में है पैलियोबायोलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और जेनेटिक्स। तो देखिए, जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, इनहेरिटेंस को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस की स्टडी जो होती है, जीन्स का एक जनरेशन से दूसरी जगह, दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर, कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को का ट्रांसफर होता है किसी और जनरेशन में, तो उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस, और उसकी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। एनवायरनमेंट की स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं, और फॉसिल की हम करते हैं पैलियोबायोलॉजी में। ठीक है, पैलियोबायोलॉजी में। तो ये हमारा था, देखिए, स्टडी ऑफ बर्थ और ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इकोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ फ्लावर। ठीक है, जो पौधों की, जो फूलों की स्टडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथ्रो मत कहिएगा, एंथ्रो कहेंगे तो कुछ और हो जाएगा, एंथोलॉजी। ठीक है, तो एंथोलॉजी जो है ये फूलों की जो है स्टडी है। ठीक है, फ्रेनोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल। ठीक है, जो हमारे सर में जो हमारी खोपड़ी है ना, उसकी स्टडी को हम फ्रेनोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर्स, है ना। एग्रोस्टोलॉजी सो कहते हैं स्टडी ऑफ ग्रासेस, याद रखिएगा, एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रासेस। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, पॉलिनोमोलॉजी। ठीक है, पॉलिनोलॉजी। ठीक है, ये है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड देयर स्पोर्ट्स। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं और उनके स्पोर्ट्स हैं, हम बॉटनी का भी इसमें देखेंगे, तो पॉलन ग्रेन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स की वजह से जो ये इनके एक्चुअली आपके ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये फ्लावर्स जो है जर्मिनेट कर पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं, एक पेड़ बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज। ठीक है, तो इंसेक्ट्स की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इटोमोलॉजी। ठीक है, इटोमोलॉजी, इंसेक्ट्स की स्टडी को इटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इक्थायोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ फिश, इक्थायोलॉजी फिश, इटोमोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हाँ, पैरासिटोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म, जो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, जो दूसरे बॉडी पर डिपेंड करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। और मोलस्कोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ मोलस्क। ठीक है, मोलस्क समझते हैं ना, खोल के अंदर रहते हैं, तो हम देखेंगे आगे इसमें आएगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ऑफ डाटा सेट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी।
ठीक है, पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी, तो आप सोच के बताइए किसको कहेंगे, तो डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी, किस पॉपुलेशन कैसी है और नाम कहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना, कितनी पॉपुलेशन है, डेंसिटी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें, यूथ कितने हैं, ओल्ड एज कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, जैसे हम हैं और हम जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिस तरीके से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं एनवायरनमेंट से और हम क्या दे रहे हैं एनवायरनमेंट को, कि इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स में स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है, पेरेंट्स हैं, उनके ऑफस्प्रिंग्स हुए, बच्चे हुए, बच्चे अपने पेरेंट्स से क्या चीज़ें कैरी कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, दो तरीके की चीज़ें होती हैं जेनेटिक्स में भी, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक ट्रांसफर होता है, फिनोटाइप मतलब होता है कि जो चीज़ें हमें दिखती हैं, जैसे हेयर्स हैं, अगर मदर के हेयर कर्ली है तो बेबी का हेयर कर्ली आ गया, ठीक है, अगर मदर टॉल है तो बेबी टॉल हो गया, अगर मदर शॉर्ट है तो बेबी शॉर्ट है, तो इस तरीके की, अगर मदर की जिस तरीके से जो भी जो फिजिकल फीचर्स हैं जिस तरीके के हैं वैसे ही बच्चे में आ गए, या फिर ऐसी चीज़ें जो हम देख सकते हैं उसको फिनोटाइप कहते हैं, जो विजिबल हो, और जीनोटाइप मतलब जो जीन के थ्रू ट्रांसफर हो हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। डेमोग्राफी क्या होता है, स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। वायरोलॉजी में स्टडी ऑफ वायरसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज, तो इसको कहते हैं एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी तो वो आपका अलग हो गया, इथनोलॉजी, ठीक है, इथनोलॉजी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर उनका कंपेरिजन, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को हम इथनोलॉजी कहते हैं। तो देखिए, इथनोलॉजी साइंस डीलिंग विद द डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। अब इथनोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक कल्चर। इथोलॉजी, अभी हमने इथनोलॉजी पढ़ा था तो हमने कहा था डीलिंग जो है साइंस डीलिंग विद द डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड। इथनोग्राफी क्या है, अ स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर, ये आपका है इथनोग्राफी। अब हमारा है इथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, ठीक है, इथोलॉजी किस कोई एनिमल किस तरीके से बिहेव करता है, इथोलॉजी है। एथिक्स, स्टडी ऑफ इथिकल एंड फिलोसफिकल ड्यूटी, एथिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इथिकल एंड फिलोसफिकल ड्यूटी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड द मेथड ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन द नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड इज नोन एज, सो क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन द मैकेनिकल वर्ल्ड इज नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बायोनिक्स, ठीक है, बायोनिक्स, ठीक है, किसको, ये है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर, नेचर में जो बायोलॉजिकल सिस्टम पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी, उसको जो है हमें उसका यूज़ हमें मैकेनिकल टर्म में करना है, मैकेनिकल नॉलेज इन द मैकेनिकल वर्ल्ड हम उसको यूज़ करते हैं मैकेनिकल वर्ल्ड में, उसको कहते हैं बायोनिक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोनिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग बाई ह्यूमन एनिमल एंड इट्स टेक्निकल एप्लीकेशन बायोनॉमिक्स वो था बायोनिक्स, और ये क्या है बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स इज स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोनॉमी, एक तो बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स और बायोनॉमी। बायोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ द लॉज ऑफ द लाइफ, ठीक है, लॉज ऑफ द लाइफ। बायोमेट्री क्या है, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द पैलियोबॉटनी वन स्टडीज, पैलियोबॉटनी में लोग क्या पढ़ते हैं, तो पैलियोबॉटनी में अब इसमें जाएगा फॉसिल एंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के फॉसिल, एल्गा, फंजाई, तो ये गलत हो जाएंगे, नन ऑफ दिस हो जाएगा। देखिए, पैलियोबॉटनी इज द ब्रांच ऑफ द पैलियंथोलॉजी और द पैलियोबायोलॉजी डीलिंग विद द रिकवरी एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट रिमेन्स फ्रॉम द जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड देयर यूज ऑफ द बायोलॉजिकल रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट इन्वायरमेंट्स, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि हम जो कोई पुरानी चीज़ होती है उससे हम कुछ ऐसा चीज़ स्टडी कर लेते हैं उसके पास्ट के बारे में, उस तरह की उसके इन्वायरमेंट, उस तरह में सिचुएशन कैसी रही होगी, जो इकोलॉजी है, सॉरी, हमारा इन्वायरमेंट पास्ट में कैसा रहा होगा, तो उसके थ्रू हम उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। इन इंडिया प्रोफेसर बीरबल सहनी इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन पैलियोबॉटनी, ठीक है। तो क्या है ये, पैलियोबॉटनी डीलिंग विद द रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट रिमेन्स फ्रॉम द जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड देयर यूज फॉर द बायोलॉजिकल रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट इन्वायरमेंट। तो अब हम ये इम्पॉर्टेंट ये है
कि बीरबल साहनी, प्रोफेसर बीरबल साहनी इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, ठीक है. रियरिंग सिल्क वॉर्म इज नोन एज, सिल्क वॉर्म की रियरिंग क्या होती है उसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं एपिकल्चर, ठीक है. सिल्क वॉर्म की रियरिंग एपिकल्चर, सिल्क वॉर्म रियरिंग एपिकल्चर. हॉर्टिकल्चर क्या होता है, स्टडी ऑफ द फ्रूट एंड फ्लावर, ठीक है. हॉर्टिकल्चर स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ठीक है. सेरिकल्चर क्या होता है, रेयरिंग सिल्क वॉर्म, ठीक है, रेयरिंग सिल्क वॉर्म. और फ्लोरिकल्चर होता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशनल वर्क, ठीक है, डेकोरेशन के लिए जो पौधा की स्टडी, फूलों की स्टडी फ्लोरिकल्चर होता है. हनी बीज आर यूज टू, ठीक है, एपिकल्चर, है ना. सेरिकल्चर में तो सिल्क हो जाएगा, टिश्यू कल्चर अलग हो गया, पिसी कल्चर में मछली हो जाएगा, ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं है, तो कल्टिवेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, नोमेनक्लेचर ऑफ द कल्टिवेशन, ठीक है. तो कल्टिवेशन में क्या है, फ्लावर कल्टिवेशन, ठीक है, फ्लावर कल्टिवेशन. इसमें क्या है, फ्लोरिकल्चर, क्रॉप कल्टिवेशन एग्रोनॉमी, वेजिटेबल कल्टिवेशन हॉर्टिकल्चर, फ्रूट कल्टिवेशन पोमोलॉजी. तो कौन सा सही नहीं है, फ्लावर कल्चर फ्लोरिकल्चर बिल्कुल, क्रॉप कल्टिवेशन एग्रोनॉमी सही है, फ्रूट्स कल्टिवेशन पोमोलॉजी, वेजिटेबल जो है हॉर्टिकल्चर नहीं होता, बल्कि जो फ्लावर्स होते हैं जो आपके, देखिए हॉर्टिकल्चर अभी हमने जस्ट देखा था कि जो हॉर्टिकल्चर स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो फ्रूट्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वेजिटेबल कल्चर नहीं होगा. हॉर्टिकल्चर इज द स्पेशल ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर. पोमोलॉजी और ऑलरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर केम अंडर दिस ब्रांच. The name floriculture and pomology used to be used in option B and D and are specific terminology. In option C, the word horticulture, जो horticulture है, has been used for the cultivation of vegetables. The specific terminology of the cultivation of vegetables should be olericulture, ठीक है, or लैरिकल्चर, ठीक है. तो अगर उसमें हॉर्टिकल्चर नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल की बात करें तो ये ऑलरीकल्चर में आएगा. किसमें, ऑलरीकल्चर, ठीक है, ये हमारा हो गया. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्ड एग्रोनॉमी मस्ट बी यूज फॉर क्रॉप्स, ठीक है. अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो हम एग्रोनॉमी का यूज करेंगे, अदरवाइज ये जो है ऑलरीकल्चर हो जाएगा, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, हमें बताना है करेक्टली कौन सा मैच नहीं है, ठीक है. तो देखते हैं, देखिए एपिकल्चर है, सॉरी हाँ एपिकल्चर है, ठीक है, एपिकल्चर है वो आपका हनी भी है, ठीक है. सेरिकल्चर है, सिल्क वर्म है, ठीक है. और पिसी कल्चर, ये इंसेक्ट ऑफ लैक, ये गलत हो गया, हॉर्टिकल्चर फ्लावर. तो देखिए ये पिसी कल्चर रिलेटेड टू द फिश, अब देखिए फिश से संबंधित है पिसी कल्चर, बल्कि वो आपका जो ऑप्शन था वो गलत था. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है ये हमें बताना है. देखिए लेक्सिकोग्राफी क्या होता है, लेक्सिकोग्राफी करेक्टली मैच्ड है, ये है कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है. डिक्शनरी को कंपाइल करना इज जो आपकी लेक्सिकोग्राफी, ठीक है. बाकी आपका सारा गलत है, तो इसलिए हम गलत माइंड में नहीं डालेंगे, अब हम सही सही समझते हैं. जो आपकी लेक्सिकोग्राफी है, इट इज़ द कंपाइलेशन ऑफ द डिक्शनरी. आपकी फिलोलॉजी, ठीक है, फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री. फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री, ठीक है. एंटोमोलॉजी समझिएगा, एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, है ना. आइकोनोग्राफी स्टडी ऑफ द आइडल्स और आर्ट्स, ठीक है. आइकोनोग्राफी स्टडी ऑफ आइडल्स एंड. लेक्सिकोग्राफी क्या है, अभी हमने देखा था, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है. लेक्सिकोग्राफी कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ग्रोसरी ऑफ लैंग्वेज डिजाइन, कंपाइलेशन इवेल्यूएशन ऑफ जनरल डिक्शनरीज. द स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट्स बींग यूज एज अ वेजिटेबल इज कॉल्ड, जो प्लांट्स जो है वेजिटेबल की तरह यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, पॉमिकल्चर, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है हॉर्टिकल्चर और ओलेरिकल्चर, ठीक है. तो इसको ओलेरिकल्चर कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है स्पेलिंग्स में, अगर हम कुछ और ऐड करते हैं तो कुछ और उसकी मीनिंग बदल जाएगी, तो ध्यान रखिएगा ओलेरिकल्चर है ये, ठीक है. ओलेरिकल्चर इज द साइंस ऑफ द वेजिटेबल ग्रोइंग डीलिंग विद द कल्चर ऑफ द नॉन वुडी, ठीक है. नॉन वुडी हर्बेशियस होते हैं प्लांट्स ऑफ द फूड, हर्बेशियस मतलब जो हर्ब, जो ग्रीन वो होते हैं, हर्बेशियस होते हैं, वुडी नहीं होते. जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द विटीकल्चर, विटीकल्चर से क्या होता है, ग्रेप्स होता है, ठीक है. अंगूर जो है हम विटीकल्चर के थ्रू प्रोसेस करते हैं. द विटीकल्चर इज द साइंस प्रोडक्शन एंड द स्टडी ऑफ द ग्रेप्स. इट डील्स विद द सीरीज ऑफ द इवेंट्स दैट ऑकर इन द वाइनयार्ड. व्हाट इज
वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर क्या है, साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, ठीक है. वर्मी कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड कल्टिवेटिंग अर्थ वर्म्स. अर्थ वर्म कैन हेल्प टर्निंग ऑर्गेनिक वेस्ट इन टू द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फॉर योर गार्डन. नेक्स्ट इज द वर्मी कल्चर, द वर्म यूज्ड. वर्मी कल्चर क्या है, आपका अर्थ वर्म है, ठीक है. वर्मी कल्चर मीन्स वर्म ग्रोइंग और वर्म फॉर्मिंग व्हेन अर्थ वर्म आर यूज्ड primarily for the production of the compost. The practice is referred as the vermicomposting. ठीक है, इसको vermicomposting बोलते हैं. Next question is the study of the gerontology. है ना, gerontology. ठीक है, gerontology, gerontology है. ठीक है, तो ये क्या होता है, gerontology old age के लिए होता है. ठीक है, gerontology old age के लिए होता है. Scientific study of the old age process of aging. ये demography में आता है वैसे, लेकिन specifically अगर old age की बात करें तो gerontology में आएगा. ठीक है, process aging and the particular problem of old people is called as gerontology. ठीक है, next question is जेनेटिक्स डील्स विद, जेनेटिक्स किससे डील करते हैं, तो इट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ठीक है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द जीन्स, हेरिडिटी एंड जेनेटिक वेरिएशन इन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद द ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड. ठीक है, तो क्या होता है, जेरोंटोलॉजी. जेरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोशल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग. ठीक है, और oncology is the branch of the medical science that deals with the treating people suffering from cancer. That is very important. Oncology, याद रखिएगा, oncology is the branch of medical science that deals with the deals in treating with the people suffering from cancer. हाँ, teratology is the study of the abnormalities of the psychological development. ठीक है, psychological development में कोई abnormality हो जाती है, normal functioning नहीं हो रही है, तो इसको कहते हैं टेरेटोलॉजी. और ऑर्निथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड. ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी इज डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड. द स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज जेरोंटोलॉजी. ठीक है, जेरोंटोलॉजी. नेक्स्ट इज पेडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, तो आपको सभी लोगों को पता है पेडोलॉजी हमारा सॉइल से रिलेटेड है. पेडोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल मॉर्फोलॉजी एंड सॉइल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है, बोन्स की स्टडी ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, तो उसी को ऑस्टियोलॉजी. ठीक है, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स. ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स. ओरोलॉजी याद रखिएगा, ओरोग्राफी याद है ना, ओरोग्राफी. तो ऐसे ही ओरोलॉजी होता है और स्टडी ऑफ माउंटेन्स. सेरोलॉजी स्टडी ऑफ सीरम. ठीक है, जियोलॉजी स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड द मैटर फाउंड इनसाइड इट. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा. स्टडी ऑफ द स्नेक्स इज नोन एज, स्नेक्स की स्टडी क्या कहते हैं, सरपेंटोलॉजी. ठीक है, सरपेंटोलॉजी. तो देखिए, सरपेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्नेक. ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड. एंड हर्पेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द एम्फीबियंस इंक्लूडिंग फ्रॉग्स, टॉड्स और सेलमेंडर्स. आपका ये सारी चीजें जो आपके एम्फीबियंस हैं, तो ये जो है हर्पेटोलॉजी जो है एम्फीबियन से डील करता है. हर्पेटोलॉजी एम्फीबियन से डील करता है. ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा रेप्टाइल इंक्लूडिंग स्नेक, लिजर्ड, टर्टल. ठीक है, ये सारे टॉर्टोइस हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, है ना. तो ये सब जो है किससे डील करते हैं, ये आपके रेप्टाइल्स होते हैं. और इक्थियोलॉजी इज नोन एज फिश साइंस. ठीक है, इक्थियोलॉजी फिश साइंस इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ फिश. What does the philatelist do? क्या करते हैं वो, ये collects करते हैं stamp को. ठीक है, philatelist क्या करते हैं, stamps को collect करते हैं. हाँ, philatelist है ये जो है collect करते हैं forms को. ठीक है, excuse me for this. नेक्स्ट हमारा है find out the odd one out from the following. ठीक है, तो odd one out हमें करना है. साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी. ठीक है, तो कौन सा हमारा जो है डिफरेंट है. ठीक है, तो एक तो है फिजियोलॉजी,
पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। तो ये जो हमारा क्या है, लैब में सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपका लैब में होता है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। लेकिन साइकोलॉजी क्या होता है, वो ह्यूमन बींग की कॉग्निटिव बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इसमें देखते हैं, देखिए फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी आर द ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजी, वेयर एज द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द माइंड। ठीक है, तो यही चीज़ हो गई, साइकोलॉजी है माइंड की स्टडी और ये जो सारी है वो बायोलॉजी के ब्रांचेस है, एंड द बिहेवियर इन द डिफरेंट फ्रॉम द थ्री अदर। तो ये हमारी साइकोलॉजी अलग है। हाँ, वॉट इज हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो हाइड्रोपोनिक्स प्लांट विदाउट सॉइल इनरिचमेंट। ठीक है, प्लांट विदाउट सॉइल इनरिचमेंट। हाइड्रोपोनिक्स इज सब्जेक्ट ऑफ हाइड्रोकल्चर एंड इट इज अ मेथड ऑफ द ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग द मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन वाटर विदाउट सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ देखिए, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी क्या होता है, लिथोट्रिप्सी यहाँ पर देखिए, ब्रेकिंग ऑफ किडनी स्टोन थ्रू रेज। ठीक है, रेज के थ्रू जो है किडनी के स्टोन को तोड़ना लिथोट्रिप्सी है, लिथोट्रिप्सी है। तो लिथोट्रिप्सी इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन विच द अल्ट्रासाउंड शॉक वेव्स इज यूज टू ब्रेक अप द स्टोन्स इन द किडनी, ब्लैडर एंड यूरेटर। आफ्टर प्रोसीजर द टाइनी पीसेज ऑफ द स्टोन्स पास आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। तो जो हमारे उसमें ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम यूवी रेज के थ्रू क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। ठीक है, हमारा लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ, बहुत पीछे लंबे फेजेस से अभी जिस फॉर्म में हैं हम, वो कैसे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।